हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, उसमें पूछ रहा है कि वेग का सूत्र क्या है, यानी वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय, दूरी इंटू समय, या चाल इंटू समय। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। ये एक क्या है, एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी जानकारी देता है, यानी किस बारे में बताता है कि वेग समय का एक कार्य है, वेग स्थिति का एक कार्य है, स्थिति समय का एक कार्य है, या स्थिति वेग और समय का कार्य है। तो इस फॉर्मूले से पता चलता है कि जो वेग है वो क्या है, समय का एक कार्य है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शरीर का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर हर जगह समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, या समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ दोनों ही सही है। ध्रुव पर अधिकतम होता है और समतल भूमि से पहाड़ी में कम होता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दूसरा और चौथा स्टेटमेंट दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है, जो अचल गति से ऊपर जा रही है, अचल गति से नीचे जा आ रही है, ऊर्ध्वमुखी त्वरण के कारण या अधोमुखी त्वरण के कारण। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्ध्वमुखी त्वरण के कारण मनुष्य का वजन लिफ्ट में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसको हम जी के यानी हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, का मान किसके साथ घटता है, आयाम के साथ, वजन के साथ, क्षैतिज विस्थापन के साथ, या ऊंचाई के साथ। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान आपका ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर सीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, ये घटना बताती है, किस बारे में बताती है। पेपर और ग्लास के बीच घर्षण की कमी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जड़त्व या त्वरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ ये जड़त्व के नियम के बारे में बताती है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के बराबर हो तो त्वरण समान है, त्वरण बदल रहा है, त्वरण शून्य है, या वेग शून्य है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य है। यानी जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा हो और समय अक्षांश के बराबर हो तो त्वरण हमारा शून्य होता है, जीरो होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन की गति का पहला नियम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण, यानी जब पहाड़ पर आदमी चढ़ता है तो आगे की तरफ झुक जाता है, उसके झुकने का कारण क्या है। फिसलन से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान घटाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का कितना भाग है, या कितने समान है, एक बटे दसवा भाग है, समान है, एक बटे छवा भाग है, या तीन गुना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, 1/6 पार्ट है, यानी 1/6 वा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/5, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/3, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/2, या पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की धरती पर द्रव्यमान और वजन कम होता है, द्रव्यमान वही रहता है परंतु वजन कम होता है, द्रव्यमान और वजन वही रहता है सिर्फ द्रव्यमान कम होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मास होता है वही रहता है परंतु जो वजन होता है वो कम हो जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, हमेशा प्रतिकारक, हमेशा आकर्षक, आकर्षक या प्रतिकारक हो सकता है, या तटस्थ। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमेशा आकर्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें कह रहे हैं कि 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में है, 3.9 न्यूटन, यानी आपको 400 ग्राम को न्यूटन में चेंज करना है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 3.9 न्यूटन। इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा फॉर्मूले में रख के, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है, यानी जब हम ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकते हैं तो नीचे आती है, तो उसके नीचे आने का कारण क्या है? घर्षण बल, घूर्णन बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आकाश नीला दिखने का कारण क्या है, यानी आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है, तो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, रीजन क्या है? वास्तव में वह नीला है, अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, सभी रंगों के मिलने से नीला रंग बनता है, ये सफेद प्रकाश में नीला रंग का आधिपत्य होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? अन्य रंगों से नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, यानी अगर हम तालाब में ऊपर से देखते हैं तो पानी कैसा दिखाई देता है? अधिक गहरा दिखाई देता है, कम गहरा, समान, या कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कम गहरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? वायु में, जल में, हीरे में या कांच में? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि वायु में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन सभी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब किसमें स्थित होते हैं, यानी जब किसी आपतन बिंदु पर आपतन किरण पड़ती है, परावर्तित किरण बनती है तथा अभिलंब किसमें स्थित होते हैं? भिन्न माध्यम में, भिन्न समतल में, समान समतल में या समान पृष्ठ में? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान समतल में स्थित होते हैं। ऐसे ही तो बना होता है, समांतर पे पहले आपतन, यहाँ आपतन बिंदु होता है, आपतित किरण होती है, परावर्तित हो जाता है और ये क्या होता है? अभिलंब होता है। तो एक समान समतल पे ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तापमान, पृथ्वी से दूरी, सूर्य से दूरी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तापमान, यानी सितारे का जो रंग होता है वो हमें दर्शाता है तापमान के विषय में, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है, छाया के निर्माण, तारों का टिमटिमाना, आकाश के नीला रंग या इंद्रधनुष? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तारों का टिमटिमाना, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो तारों के टिमटिमाने से ही होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें क्या टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है? कैमरा के द्वारा, आवर्धन ग्लास के द्वारा, फोटोकॉपियर के द्वारा या प्लेन सीसा के द्वारा? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैमरा, एक वास्तविक दृश्य कैमरा की मदद से हम बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सात रंगों से मिलकर बने सफेद प्रकाश में निम्न में से किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल में, बैंगनी में, नीला में या हरा में? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो बैंगनी रंग होता है उसमें अधिक ऊर्जा होती है, ये जो रंग होता है बैंगनी वो अधिक एनर्जेटिक होता है, मोर एनर्जेटिक होता है इन सबके कंपेरिजन में, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का प्रयोग कर सही किया जा सकता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है, उत्तल लेंस की मदद से हम ये दोष को दूर कर सकते हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्षा बिंदु गोलाकार होने का कारण क्या, यानी जो वर्षा की बूंदे गिरती है तो कैसी होती है? गोलाकार होती है, तो उनकी गोलाकार होने का रीजन क्या है, वो क्यों राउंड शेप में होती है? जल श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सतत वाष्पीकरण के कारण या वायु घर्षण के कारण? यहाँ का भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंदे होती हैं वो गोलाकार होती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ठंडे जलयुक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदे कैसे निर्मित होती हैं? जब भी आपने फिर से कोई ठंडी बोतल निकाली होगी, उसे आप बाहर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि बोतल के बाहर पानी की बूंदे थोड़ी थोड़ी सतह पर आ जाती हैं, तो वो क्यों आ जाती है, उनका रीजन क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास,
बोतल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होती है तथा बाहर की ओर भेदन करती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होती है। या बोतल के अंदर का जल वाष्पित होता है तथा बूंदों के रूप में दिखाई देता है, या वायु में उपस्थित जलवाष्प वाष्पित हो जाती है तथा बोतल की सतह पर चिपक जाती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वायु में उपस्थित जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यानी इन सभी परिवर्तनों में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन, लेकिन आपको भौतिक परिवर्तन बताना है। ऑप्शन के पास लकड़ी का जलना, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, कागज के टुकड़े का जलना, या लोहे में जंग लगना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोका कोला की अगर बोतल में हम नमक डाल दें तो उसमें गैस निकलने लगती है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी का जलना आपका रासायनिक क्रिया है, कागज के टुकड़े का जलना रासायनिक क्रिया है, लोहे में जंग लगना भी रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर चेंज हो गया तो उसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी अगर लकड़ी को हम जला देते हैं तो जो राख बची उसे हम लकड़ी में पुनः कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते, तो ये क्या हो जाएगी? एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उछलन का कारण क्या है, यानी जमीन पर अगर फुटबॉल गिरती है तो ऊपर उछलती है, तो क्यों उछलती है, रीजन क्या है? ऑप्शन आपके पास, वह रबर से बना है, वह खोखला है, वह हल्का और वायु प्रतिरोध को पार कर सकता है, या अपनी प्रत्यास्थता गुण के कारण। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपनी प्रत्यास्थता गुण के कारण अगर हम जमीन पर फुटबॉल डालते हैं तो वो वायु में वापस उछलती है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना ज्यादा कठिन होता है, क्यों? अगर ये जो नॉर्मली रोड आप देखते हैं जिसपे आप चलते हैं, इनकी अपेक्षा अगर आपको बर्फ पर चलने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, बर्फ पर बहुत आसानी से नहीं चल सकते, बहुत मुश्किल होती है, तो क्यों मुश्किल होता है वो रीजन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास, बर्फ नरम और स्पंजी होती है जबकि कंक्रीट कठोर होती है, या पांव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पांव के मुकाबले कम होता है, कंक्रीट के मुकाबले बर्फ पर घर्षण अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पांव और बर्फ के बीच का जो घर्षण होता है वो कंक्रीट और पांव के मुकाबले बहुत कम होता है, यानी जो हम जब सामान्य रोड पर चलते हैं तो हमारे पांव और रोड के बीच में जो घर्षण होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम यही बर्फ पर चलने लगे तो बर्फ और हमारे पैर के बीच का जो घर्षण बल है वो बहुत कम हो जाएगा, घर्षण बहुत कम हो जाएगा, इस वजह से बर्फ पर चलना कठिन है जबकि सामान्य रोड पर चलना आसान है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर एक बार इन्हें देख लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।